तो यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड कपल्स, चाहे वो कपल्स शादीशुदा है या फिर अभी तक अनमैरिड है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। यहीं पर ऋतिक रोशन और सबा आजाद अपनी शादी, अपनी सीक्रेट वेडिंग के बाद अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाते हुए इतना बड़ा राज खोला आपको दिखाएंगे सुनाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। एक दफा होटल के बाद जब से ऋतिक रोशन को सबा आजाद के साथ देखा गया, मीडिया ने छापा मारा, लेकिन उसके बाद से अब सबा आजाद और ऋतिक रोशन की जोड़ी खुलकर सामने आ चुकी है। वो कुछ भी करते हैं तो वो इकट्ठे अपीयरेंस देते हैं। अगर फैंस सबा आजाद को खासा ट्रोल करते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, लेकिन यहीं पर ऋतिक रोशन, फैंस का कहना है कि ऋतिक रोशन जो कि 100 मैन इन द वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत मैन है, कैसे हो सकता है कि उनको सिर्फ एक सबा आजाद जैसी गर्लफ्रेंड मिली हो। लेकिन यहीं पर ऋतिक रोशन उनको फुली तौर पर सपोर्ट भी करते हैं सबा आजाद को, और उनके साथ अपना हर ओकेजन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में मनाते भी हैं। इसी तरीके से सबा आजाद और ऋतिक रोशन की बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर जिसमें व्हाइट कलर के ड्रेसेस में दोनों ने दिवाली, हैप्पी दिवाली फैंस को सेलिब्रेट का विश किया। फैंस का कहना है कि दोनों का ये कपल वाकई इस पिक्चर में बहुत ही क्यूट लग रहा है। व्यूअर्स आपके इस पिक्चर के बारे में क्या कहना है कि आपको इस पिक्चर में इनका कपल क्यूट लगा, और क्या आप चाहते हैं कि शादी कर ले या फिर ऋतिक रोशन को कुछ और ही खूबसूरत लड़की को देखना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।